और कैसे बैठा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर्टिस्ट मुंडा और मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आप सबको हैप्पी आज मैं हूं दिवाली अपने दोस्त और होस्ट मोइन के साथ दिवाली की एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, तो बिना किसी हरकत के करते हैं स्टार्ट। पहले मैंने पार्टीशन सेट कर दिया, ठीक है, लाइने वाइने बना के ये थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि मेरे को कहाँ कहाँ क्या बंदे चाहिए। तो ये भसड़ सारी हम इसको स्किप करते हैं। तो ये कुछ फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा मिला है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या नाव बनानी थी, एक रेफरेंस ले ली, ठीक है, उसको लपेटा वहाँ। जब चीजें हैं सोर्स हैं यूज करते हैं ना, टाइम वेस्ट कम करना है। अब उसके बाद पेंट करना स्टार्ट करते हैं लेयर बाय लेयर। पहले मैंने सिंपल सब में प्लेन मारा, अब उसके बाद मैंने सब में थोड़ा थोड़ा कलर करना स्टार्ट करा। अब पीछे जो मंदिर बनाए थे उनको हाईलाइट कर दिया और फिर लेयर बाय लेयर उन पे काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फोन नहीं चलाना यहाँ बैठ के, ठीक है, योगदान देना है। पेड़ वेड़ बनाए मैंने, ठीक है, और इसको मैंने फिर थोड़ा ब्राउनिश कर दिया और उसके बाद थोड़ी बहुत लाइट लगा दी। थोड़ा मॉडर्न लगेगा लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए कर दिया। थोड़ी सी और लाइट लगा दी, मतलब वो दिया लगे हैं, लाइट नहीं दिया। और फिर वहाँ जो नीचे जो ग्राउंड की साइड है वहाँ पे ऑरेंजिश कर दिया थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दिए लगे होते हैं मोमबत्ती वगैरह। और ये फ्रंट में मैंने लोग बनाए हैं तीन चार, तो बीच में बोट पे अभी देखना थोड़ा करा है मैंने मैजिक वो। आगे बोलता हूँ ना ये चीज़ें तो अभी इसके अंदर शेडो करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी तक ये 2D लग रहा था, तो इसमें शेडो वेडो डालेंगे तो ये थोड़ा 3D लगना स्टार्ट हो जाएगा। शेडो शेडो भाई शेडो वेडो तीनों में डाल दिया शेडो शेडो तो ठीक है ना। और ये फेस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसको दो तीन बार बनाया मैंने। और उसके बाद इसमें जो भी थोड़ी बहुत शाइनिंग देनी है, क्योंकि फ्रंट से लाइट आ रही है लाइट, क्योंकि अभी ये बोट से उनके साथ, हाँ ठीक है, तो वो भी आएंगे। तो एक उनका एक मैंने एक लाइट बनाया है कि वो लाइट पड़ रहा है इन पे, तो वो बीच में से जा रहे हैं, ठीक है, तो लोग देख रहे हैं उनको इधर की साइड भी उधर की साइड भी। अभी मैंने कैंडल्स बनाई हैं और इनकी रोशनी भी कर दी है थोड़ी बहुत। और क्या करा मैंने, हाँ, और इसके आसपास भी थोड़ा सा मैंने एम्बियंट उसका, यहाँ पे देखो एक बढ़िया चीज़ क्या करी मैंने, टाइम कम था तो मैंने क्या करा, सीधा एक पिक्चर उठाई उसको ऐड करा और उसकी आउटलाइन लेके ट्रेस कर दिया। ठीक है, अब लक्ष्मण जी मैंने ट्रेस करे, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने उनको अपनी मर्जी से बना दिया बैठे हुए, ठीक है। सीता माता भी ऐसी बना दी मैंने। और बारी है हनुमान जी, हनुमान जी को मैंने कोने में बिठा दिया क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो चला रहे हैं, तो एक तरीके से एक मतलब एक साथ आ रहे हैं ना चार लोग, उनको फैमिली है तो फैमिली दिखाया। तो ये बीच में थोड़ी बहुत मैंने आग बना दी क्योंकि नाव में आ रहे हैं, नाव में कोई इतना खास लाइट वाइट का सिस्टम नहीं होता था उस टाइम। और उसके बाद मेरे को लगा, क्या लगा कि इसकी रिफ्लेक्शंस बनानी चाहिए, तो रिफ्लेक्शंस बना दी, ठीक है। और इसके मैं फेस फेस से सही कर रहा हूँ क्या, अबे हाँ यार, इसके मैंने एक्चुअली ना मेरे को फेस पसंद नहीं आ रहा था लड़की का, तो फिर मैंने उसको, हाँ इसका बहुत बार फेस बनाया मैंने, हाँ। और क्या करा भाई, देखिए जब ऐसा लगता है ना छोटे बारीक चेंजेस कर रहा हूँ, पता नहीं चलता क्या चेंज कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा क्या कर रहा हूँ, पर क्या रहा हूँ ये रहा, अच्छा इधर थाली बना रहा हूँ उसके बाद इस बंदे के मैंने थोड़ा सा और इसको शेडो दे दी, शेडो नहीं सॉरी लाइट दे दी, कि मतलब लाइट फ्रंट से आ रही है ना तो साइड साइड पे, हाँ और साइड साइड पे पड़ती है ना जब हमारे रोशनी पड़ती है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जो सारा माहौल है वो सारा शाइनी है, लेकिन जिसमें राम जी आ रहे हैं और बोट है जो भी, वो एकदम डल लग रही है, तो फिर मैं कहा चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब राजा हैं वो तो राजा के हिसाब से तो थोड़ी बहुत तो बोल्ट होनी चाहिए ना अच्छी। और ये मैंने लोग बना दिए खड़े होकर जो देख रहे हैं कि श्री राम आ रहे हैं, है ना दिवाली पर। तो
खत्म कर दी। ऊपर ही मैंने पता नहीं क्या बनाया, मेरे को नहीं पता। मैं सोच रहा था वो जैसे वो नहीं होते क्या होते हैं वो कैंडल लाइट जो उड़ाते हैं हवा में, क्या बोलते हैं उसको, भगवान जानता है। उड़ा दी मैंने तो मैंने फिर श्रीराम को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने फिर श्रीराम को करा तो लक्ष्मण जी को भी कर दिया, सीता माता को भी कर दिया, हनुमान जी को भी कर दिया, लेकिन 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 मेरे को मजा तब भी नहीं आया। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक और लेयर स्टार्ट कर दी जिसमें कि उनको एज अ अवतार दिखा रहा हूँ, कि मतलब उनमें से बहुत लाइट आ रही है, उनका जो प्रकाश है वो इतना है कि वो देखा नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से मेरे को, हाँ जो भी है, तो उसकी वजह से फिर लगा कि हाँ यार, कि मतलब इन पे फोकस जा रहा है सारा, क्योंकि बाकी सब डल हो गए इनके आगे। ये है हमारा फाइनल आउटपुट। और बताओ यार कैसा लगा, मतलब ये मैंने रात को 3:30 बजे तक बनाया, सबूत है तेरे पे। अभी ये जितना बनाया तो इसको देख के बताओ कि कैसा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि मैं बताने वाला हूँ कि डिजिटल पेंटिंग के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो, प्लस आर्टिस्ट लोग के लिए जो मेरे जैसे हैं उनको मोटिवेशन। ठीक है भाई, दो शब्द आप कहना चाहेंगे मेरे तो अपने दो शब्द भाई, तो सब्सक्राइबर एक शेयर। हाँ तो सब्सक्राइबर शेयर कर देना भाई, शक्ल ही दिखा दे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हैप्पी दिवाली एक बार फिर से, और बाय बाय।